पिछले कुछ समय से हीरो आलोम इंटरनेट की दुनिया में बहुत तेजी से छाए हुए हैं। हीरो आलोम, अगर आप YouTube वीडियोस देखने के शौकीन हैं, तो यकीनन आप इस नाम से फैमिलियर होंगे। हालांकि वो लोगों के बीच अपने टैलेंट से ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी को लेके मजाक का पात्र बने हुए हैं। इस बंदे ने अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या कुछ किया, ये मैं आज आपको बताऊंगा। हीरो आलोम का असली नाम है अशरफुल आलोम, जो कि पैदा हुआ था यूरिला गांव, डिस्ट्रिक्ट बोगरा, बांग्लादेश। हीरो आलोम बहुत ही गरीब परिवार से था। जब वो 10 साल का था, तब उसके पिता दूसरी शादी करके अपने परिवार को गरीबी की हालत में छोड़ गए। अपनी माँ और परिवार को पालने के लिए हीरो आलोम ने चनाचूर बेचना शुरू किया, जो कि पहले उसके पिताजी भी किया करते थे। काम पर लग जाने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से वो 7th क्लास में फेल हो गया। चनाचूर बेचने के बाद जो वक्त उसे मिलता था, उसमें वो अपने गांव के एक वीडियो शॉप में जाके वीडियोस देखा करता था। यही वो जगह थी जहां से उसे एक्टर बनने का शौक चढ़ा। एक दिन उस वीडियो शॉप के मालिक ने अपनी दुकान बेचने का मन बनाया, तो हीरो आलोम ने उससे मिन्नत की कि वो दुकान उसे बेच दे और किस्तों में वो उसके पैसे चुका देगा। ए पर्सन नेम अब्दुल रजाक हुआज हिज रेगुलर कस्टमर अडॉप्टेड हिम। उस वक्त तक केबल टीवी भी मार्केट में आ चुका था और उसने केबल टीवी का बिजनेस शुरू कर दिया। उसका हीरो बनने का सपना पूरा हुआ 2008 में, जब उसने एक वीडियो एज ए हीरो निकाला। शुरू शुरू में वो अपनी वीडियो को अपने ही केबल के एक चैनल पे चलाता था। बाद में उस वीडियो को किसी ने यूट्यूब पे डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वो दिन है और आज का दिन है, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तक वो 500 से ज्यादा म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस कर चुका है। शुरू शुरू में लड़कियां उसके साथ काम करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, लड़कियों ने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, वैसे तो ये सबकी अपनी अपनी पसंद है कि आपको उसकी वीडियोस कैसी लगती हैं, बट एक्चुअली में ही इज अ रियल हीरो। वो बहुत छोटा था जब वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था और बचे वक्त में अपने हीरो बनने के सपने को सच करने की तैयारी में लगा रहता था। हीरो आलोम ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसके लुक्स, उसकी पर्सनैलिटी हीरो बनने लायक नहीं है, फिर भी वो अपने सपनों को साकार करने में लगा हुआ था। हालांकि हीरो आलोम ने अब तक जितनी वीडियोस बनाई हैं, वो बंगाली या हिंदी सॉन्ग्स की हैं। अब तक वो 2 फिल्म में काम कर चुका है, 1 रैप सॉन्ग भी गाया है, 2 टीवी शोज के अलावा 2 कमर्शियल एड्स भी कर चुका है। जो फेम वो अब तक पा चुका है, वो फेम पाने के लिए लोगों की कभी कभी एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है। ये चेहरा बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर हो चुका है। हीरो आलोम जब अपने देश के क्रिकेट प्लेयर से मिलने के लिए गए, तो पता चला कि वो भी उनसे मिलने के लिए उतने ही एक्साइटेड थे। कुछ लोगों का कहना है कि हीरो आलोम के पास बहुत पैसा है, तो वो अपने आप को हीरो बनाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं था कि हीरो आलोम शुरू से बहुत अमीर था, इसलिए पैसों के दम पे खुद को हीरो बना लिया। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा भी है और खुद को म्यूजिक वीडियोस में देखने के लिए बेताब भी है। उन लोगों और हीरो आलोम में सिर्फ यही फर्क है कि उन लोगों को शौक है म्यूजिक वीडियो में आने का और हीरो आलोम का पैशन था। हम हीरो आलोम की वीडियोस देख के कमेंट करें, हंसी उड़ाए, उसका मजाक बनाए, बट आज मैं, आप और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे मजाक में ही सही, इससे ये बात तो पता चलती है। Dreaming, guys. No one knows what you are capable of except yourself. People will judge you by how you look and by what you have. But please, guys, fight on. Fight for your place in history. Fight for your glory. Never, ever give up. Even if it means selling all your clothes and sleeping on the streets, it's okay. But as long as you are still alive, your story is not over, my friend. Your story is not over. Trust me, keep up the fight. Keep your dreams and hope alive. Because failure is not an option. We'll be right back.